हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। में तो आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले ज़ेब्रोनिक्स की पावर बैंक जो कि 20,000 एमएच की है। अभी हम लोग ऊपर से लाइक बॉक्स की जो डिटेल है वो देखिए, 22.5 वॉट मैक्स आउटपुट लिखा है और 20,000 एमएच है। आप देख सकते हो इसमें मेरा मोबाइल 5 बार चार्ज हो सकता है। और अगर आपका 5000 एमएच वाला अगर मोबाइल होगा, अगर आपकी बैटरी 5000 एमएच होगी तो आपका मोबाइल 4 बार चार्ज हो सकता है इस पावर बैंक से। सो हम लोग पावर बैंक का फर्स्ट लुक देखे, मैं आपको जो पावर बैंक है वो क्लोज से दिखाई दूंगा सिनेमेटिक्स में, तो आप भी ये पावर बैंक देख सकते हो। इसको पहले बाजू में रखते हैं एंड बॉक्स में क्या क्या आता है वो देखते हैं पहले। ये है यूजर मैनुअल, बहुत अच्छा है। ज़ेब्रोनिक्स के जो ज़ेब्रोनिक्स ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है इन्वायरमेंट के लिए कि लाइक जो कागज पत्र आते हैं उसको रिप्लेस करके उन लोगों ने क्यूआर कोड दिया है मैनुअल के लिए। पावर बैंक में भी मैनुअल लगता है। और भी देखे तो बाजू में एक सेक्शन है, डबल बॉक्स था। हम लोग देखे तो हम लोग बॉक्स में बाकी कुछ नहीं है। और यही है एक सी टाइप यूएसबी टू सी टाइप केबल जो कि चार्ज करने के लिए होगी पावर बैंक को। हम लोग अभी देखते हैं पावर बैंक को। तो हम लोग पावर बैंक का फर्स्ट लुक देखे, इधर 22.5 वॉट लिखा है। हम लोग पावर बैंक के इनपुट और आउटपुट के लाइक पोर्ट्स देखे तो दो यूएसबी पोर्ट्स है जो कि आउटपुट के है और एक सी टाइप भी है और ए टाइप भी है। वो दोनों भी इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए, शायद सी टू सी भी आउटपुट देता है, इनपुट भी उधर से ही होता है और आउटपुट भी उधर से ही है। वो है। और एक इधर ये बटन है जो कि आप सिनेमेटिक्स में देखोगे जो बटन है वो, वो प्रेस करने से आपको जो बैटरी लेवल है वो दिखती है। आप जब इसको चार्जिंग पे लगाओगे तो ये नीचे वाला जो डॉट है वो ग्रीन हो जाता है, उससे आपको इंडिकेट होता है कि चार्जिंग चालू है। अभी आप देख सकते हो कि पूरी पावर बैंक चार्ज्ड है फुल। मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ कि एक्चुअली मैं 20,000 एमएच उतना बैकअप दे रही है या नहीं वो देखने के लिए। मेरा जो मोबाइल है वो 5 बार तो चार्ज हो ही जाता है उस मोबाइल मतलब इस पावर बैंक से। और मैं दो दिन बाद लाइक इसको चार्ज करता हूँ। और इसके चार्जिंग टाइम की हम लोग बात करें 3 या 4 आवर्स के आसपास ये फुल चार्ज हो जाती है। अगर मेरा फास्ट चार्जर है उससे, अगर आपका स्लो चार्जर होगा तो उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 5 से 6 घंटे लग सकते हैं फुल चार्ज होने के लिए। वही। और ये दोनों भी जो आउटपुट है वो फास्ट आउटपुट है। हम लोग इसके वेट की बात करें तो बहुत हेवी है, इसका वेट है 397 ग्राम्स। और अगर आपको ये वाली पावर बैंक परचेस करनी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, आप उधर से जाके चेकआउट करके बाय करनी होगी बाय कर सकते हो। इसकी हम प्राइसिंग की बात करें ये 1100 to 1400 तक, ये 1100 से 1400 तक आपको ये पावर बैंक मिल जाएगी। कभी कभी ज्यादा भी हाई प्राइस आता है बट कभी कभी अंडर 1000 भी आती है पावर बैंक। आप जल्दी से लिंक से चेकआउट कर सकते हो अभी इसकी प्राइस क्या है वो। अगर आपको बाय करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ उधर से बाय कर सकते हो। आप इसके सिनेमेटिक्स एंजॉय करो एंड जो कुछ भी बटन एंड ऑल जो कुछ भी है आपको जो देखना होगा वो देख सकते हो आपको सिनेमेटिक्स में। यही था मेरा ज़ेब्रोनिक्स की पावर बैंक का रिव्यू। आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी वो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक करो एंड शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन लोगों को अच्छे बैकअप वाली पावर बैंक चाहिए और फास्ट भी चाहिए, उनको ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो लगे हाथ। अब आपकी मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वाली कौन सी वीडियो में। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।